मेरे लिए कार्य करोगे? प्राण दे सकते हैं युवराज, आपने हमें मुक्त किया है। सुशीम, ऐसा अनर्थ मत करो। हमारे पास आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। सम्राट के प्राण संकट में मत डालो सुशीम। मैं अपने राज्य को संकट में नहीं डाल सकता, राज्य को या सिंहासन को। इधर सम्राट की हत्या और उधर सिंहासन का मार्ग अबाधित। रुक जाओ। समर्पण करेंगे। पकड़ के ले आओ इसे, डाल दो घुटनों पर। यदि मुझे बचाना ही चाहते थे तो एक सच्चे योद्धा, एक वीर मौर्य के भांति लड़कर अपने बल और अपने पराक्रम पर मुझे बचाते। यदि उसमें तुम मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते तो मुझे तुम पर गर्व होता। सब नष्ट कर दिया तुमने, और इसके अतिरिक्त तुमने मेरे लिए क्या ही क्या है। क्यों मुझे बार बार लज्जित करना चाहते हो? जिनके लिए आपने इतनी छोटी खाई है, छोटी आंखों, आपके पितृभक्ति का कोई बोध ही नहीं है। वो तो उस पुत्र के लिए गर्वित हो रहे जो सिंहासन के लिए उनको मरवा देना चाहता है। आत्मसमर्पण कर दो सुशीम। अशोक के पास अवश्य ही कोई योजना है, उसका साथ दो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं अब और निस्वार्थ नहीं हो सकता। आपको और मां को खोने का साहस मुझ में नहीं है। समर्पण कर दो सुशीम। अशोक के पास अवश्य ही कोई योजना है, उसका साथ दो। राजभवन की भूमि, इसकी प्राचीर, सब उस तेल से भींगी हुई है। निकेता, तुमने जो कहा मैंने किया, अब मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं इस दासी पुत्र को दंड देना चाहता हूं, इसके कारण आज मैंने अपना मान, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा खोई है। इसके कारण हमारे पूर्वजों की वीरता का अपमान हुआ है। इसके कारण हमारा वंश लज्जित हुआ है। आज मैं इसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। ठेकी और पूछ, आजीवन इससे जलता आ रहा हूं। पर आज ये चलेगा, आज मैं तुझे जला के तेरी मृत्यु सुनिश्चित करूंगा। तड़पता हुआ देखना चाहता हूं तुझे। ते
सुशिव रुकिए, सुशिव नहीं नहीं ऐसा अनर्थ मत कीजिए, सुशिव रुकिए, सम्राट रुकिए, सुशिव नहीं। इनका निर्णय सम्राट लेंगे। निर्णय तो लिया जा चुका है। अच्छा ये भ्राता, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध, शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध। अशोक सही कह रहा है, हमने आत्मसमर्पण किया है। पर ये बात तुम दोनों जानते हो, मैं जानता हूँ, अशोक जानता है। सम्राट बिंदुसार और प्रजा नहीं जानती, वो इस बात से अवगत ही नहीं। राता आप ये क्या करें, राता राता आपने जो किया है वो अनैतिक है, जानते हैं। पिताजी को ये क्या होगा, वो आपको क्षमा नहीं करें। युवराज बन गए पर सोच वही तुच्छ की तुच्छ। ये युद्ध है अशोक, यहां नैतिक अनैतिक कुछ नहीं। प्रशंसा और सम्मान के अधिकारी हो तुम पुत्र, आज तुमने शत्रुओं को पराजित कर हमारी विजय सुनिश्चित की है। मैं मानता हूं कि मैं तुमसे क्रोधित था, किंतु अब जो मैं निर्णय ले रहा हूं उससे मेरे क्रोध से कोई संबंध नहीं। अब मैंने सोचा ही कि मैं तुम पर एक उपकार कर दूं, मगध पर एक उपकार करूंगा, तुम्हें युवराज के पद से हटाकर। आज ये घोषणा करता हूं, आज से तुम केवल बिंदुसार मौर्य के पुत्र हो, उसके उत्तराधिकारी नहीं। यही नहीं, आज से मैं इस
शिवराज की स्पर्धा का ही अंत करता हूं। और यह घोषणा करता हूं कि आज से मेरे मृत्यु तक पाटलिपुत्र में कोई युवराज नहीं होगा। मेरे पश्चात सम्राट किसे बनाया जाए, मैं वो उस समय निर्धारित करूंगा। इस समय निकट आएगा। तब तक राज्य के सभी निर्णय मैं लूंगा। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प शेष नहीं। ऐसा भी क्या हो गया आचार्य जो आपने मुझे रामकथा के बीच बुलाया? ये क्या है? पाटलिपुत्र का राजकीय पत्र है जो कि हमी मीर खुरासान के वस्त्रों में से प्राप्त हुआ है। ये भाषा तो यूनानी लिखी है। अशोक, इस पत्र में उस सुरंग के विषय में सूचना दी है जिससे वो खुरासानी सैनिक अंदर आए थे। अर्थात कोई हमारा अपना ही है जो यूनानियों की सहायता कर रहा था। और दो ही लोग ये यूनानी भाषा जानते हैं, एक राजमाता है ना, दूसरा सियाम। पिताजी महाराज, पिताजी महाराज, मुझे बचा लीजिए पिताजी महाराज। वो भ्राता अशोक मेरे प्राण लेना चाहते हैं पिताजी महाराज। ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं पिताजी, नाटक पर से आवरण हटा रहा। मगध के उन शत्रुओं का सत्य जो अभी तक हमें मित्र प्रतीत होते थे। इसके विषय में बात करो। ये देखिए, ये है वो राज के पत्र जिसके माध्यम से यूनानियों को ये सूचना प्राप्त हुई कि वो सुरंग कहाँ है। ये मीर खुरासन के वस्त्रों में पाया गया। ये तो यूनानी भाषा में। और ये सियामक ने लिखा है। बताओ सियामक, सबको सत्य बताओ। आप पिताजी महाराज, ये मैंने ही लिखा है।